कि ऐसा लगेगा अगर मैं तुम्हें बताऊं कि तुम जो भी डेली पढ़ रहे हो टीचर्स से लेक्चर्स में या फिर सेल्फ स्टडी में या फिर जो भी क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर रहे हो वो तुम्हें ज़्यादा दिनों तक याद नहीं रहने वाला। अब ये मैं नहीं कह रही हूँ, ये एक फॉरगेटिंग कर्व जो कि आपने शायद सुना होगा नाम से एक फिनोमिनन है। तो ये कर्व सजेस्ट करता है कि विद इन द फर्स्ट आवर आफ्टर लर्निंग एनीथिंग न्यू यू फॉरगेट अप टू 50% ऑफ द कंटेंट। बाय द एंड ऑफ द डे दैट रेट माइट इंक्रीज टू 70% एंड आफ्टर अ वीक यू माइट रिमेंबर ओनली 20-30% ऑफ व्हाट यू इनिशियली लर्नड। अरे भैया इतनी मेहनत कर रहे हैं, ये क्या हो रहा है? अब भाई फॉरगेटिंग तो नेचुरल पार्ट ही है लर्निंग प्रोसेस का, तो क्या कोई स्ट्रेटेजीज नहीं है जो आपको इसके इफेक्ट्स को कम करने में हेल्प करें? जी हाँ है, बताऊं क्या? आपको पता हो तो आप भी कमेंट सेक्शन बताइएगा। देखो एक तो है स्पेस्ड रिपीटेशन, जिसको मैं हमेशा से बोलती आई हूँ रिविजन रीइन्फोर्समेंट। दूसरा है दूसरों को पढ़ाना, उससे काफी एक्टिव रिकॉलमेंट होता है। फिर है कुछ डिवाइसेस जैसे कि निमोनिक्स, स्टोरी, इन सब का इस्तेमाल करना। अब बाकी सब तो आपको खुद ही करना पड़ेगा, मैं यहाँ पे आपको स्पेस्ड रेपिटेशन के बारे में बताती हूँ। तो ये स्पेस्ड रेपिटेशन क्या है? देखिए जितनी गति से आप फॉरगेटिंग कर्व में, जिस रेट से आप फॉरगेटिंग कर्व में चीज जो इन्फॉर्मेशन डिप्लीट हो रही है आपके माइंड में, स्टार्टिंग में इनिशियली ये रेट बहुत तेज होता है, फिर ओवर टाइम ये जो डिग्रेडेशन होता है कि आपके माइंड से चीजें मिस हो रही है वो डिक्रीज होता जाता है वो रेट। तो आप अगर स्टार्टिंग में स्पेस्ड रेपिटेशन यानी कि स्पेसिफाइड इंटरवल्स पर अगर रिविजन रिव्यू करना अपने नोट्स को करते जाएंगे, पहले कुछ ज्यादा और फिर उसके बाद इस रेट को डिक्रीज करते रहेंगे, तो ये आपका इफेक्ट काफी हद तक नेगेटिव इफेक्ट इसका कम होता रहेगा। दोस्तों आपकी हेल्प करने के लिए, अब देखिएगा मैं आपके घर आकर के आपका खुद का एक रिविजन टारगेट या फिर रिविजन शेड्यूल तो बना नहीं सकती, इसलिए मैंने CA फाउंडेशन क्लासेस पे हमारी वेबसाइट यानी कि जो पेड स्टूडेंट्स हैं और यूट्यूब के स्टूडेंट्स के लिए मैं कुछ नया करना चाहती हूँ। और वो नया कुछ यूं है कि मैं आपको शेड्यूल दे दूंगी, आप उसको फॉलो करोगे नहीं, एक दिन बनाओगे और फिर उसको कहीं फेंक दोगे। तो मैंने सोचा कि क्यों ना जब आप अपनी पढ़ाई कर रहे हो, फॉर एग्जांपल अभी हमारा लाइव बैच चल रहा है, हमारा TTS और MWF 7 PM अकाउंट्स लॉ वगैरह का लाइव बैच चलता है, लॉ एंड अकाउंट्स रिस्पेक्टिवली। तो मैंने सोचा कि क्यों ना जो चैप्टर्स हम करते जा रहे हैं बच्चों को मैं खुद ही एक डेली शेड्यूल के हिसाब से, जैसे हम डेली टारगेट्स देते हैं अपने बैच में, वैसे ही डेली शेड्यूल के हिसाब से क्यों ना मैं ही अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स और लॉ का रिविजन करवाती चलूं। तो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है एक शेड्यूल, ठीक है, संडे को शेड्यूल मिल जाया करेगा और अगले हफ्ते का आपको शेड्यूल, टॉपिक और सब्जेक्ट जो है मिल जाया करेगा। आप इसी टाइम के हिसाब से हमारे चैनल पे आइए, बैठिए, और क्योंकि हम स्टार्टिंग से शुरू कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल हम रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स या फिर BRS अकाउंट से स्टार्ट करेंगे, चैप्टर नंबर 1 और 2 पे अभी नहीं जाएंगे, वो वैसे भी भूल जाता है क्योंकि थ्योरी है। सिमिलरली लॉ में क्योंकि हमने दोस्तों कंपनीज किया है अपने बैच में, तो मैं कंपनीज करवाऊंगी यहाँ पे, ठीक है। इस तरीके से आप जो है हमारे साथ स्पेस्ड रेपिटेशन कर सकते हैं। क्या मैम आप मल्टीपल टाइम्स करवाओगे? नहीं, एटलीस्ट आपके रिविजन करने की रफ्तार को मैं तेज कर दूंगी। एटलीस्ट जिन लोगों ने बिगिन ही नहीं किया है, जो ये सोचते हैं कि पढ़ने के बाद 3-4 महीने बाद रिविजन करेंगे, आप देख लो फॉरगेटिंग कर्व क्या होता है, उसको प्लीज एक बार सर्च करो। और ये छोड़ो, प्रैक्टिकली जो चीज 1-2 हफ्ते पहले पढ़ी थी, जो रिवाइज नहीं किया है, उसको एक बार उठा के देखो, ये भी नहीं बिलीव होगा कि क्या वो मेरी ही राइटिंग है, क्या मैंने ही अंडरलाइन किया था। तो बस यही करना चाहती हूँ, जैसे कि आप इस वीडियो को देख रहे हैं, बहुत जल्द हमारे कम्युनिटी सेक्शन पे, हमारे इंस्टाग्राम पे, हमारी व्हाट्सएप कम्युनिटीज पे, या जो है आप इंस्टाग्राम पे, हर जगह टेलीग्राम पे ये रिविजन शेड्यूल्स मिल जाएंगे। हौले हौले धीमे धीमे हम रिविजन करेंगे। सो स्टडी and revise simultaneously, that is revise as you study, इससे revision reinforcement होगा। spaced repetition आप करेंगे, मैं आपको बता दूंगी कि इस चीज को आपको कब पढ़ना है। For example आपको daily targets मिलते हैं, वैसे ही उसी में revision targets भी मिल जाया करेंगे। बताइएगा ये कैसा लगा, और आपको कोई और help चाहिए हो तो CA foundation classes पे जरूर आप comment section में लिखेगा, हम आपके comments को बहुत ध्यान से पढ़ते हैं। और आप मुझे बताइए कि क्या ये revision schedule और क्या ये revision sessions आपके लिए helpful होंगे या फिर नहीं, प्लीज आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिख करके बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, शेड्यूल को कर लीजिए फॉलो। और हाँ एक और बात, अगर आपको लगता है कि आपने कॉन्सेप्ट्स ही अच्छे से नहीं पढ़े हैं, तो आप हमारी इस वेबसाइट पे विजिट करके यहाँ से हमारे लाइव बैच में, और लाइव ना चाहे तो हमारे रिकॉर्डेड फास्ट बैच में आप एनरोल कर सकते हैं। डाउट सपोर्ट देते हैं हम, डेली टारगेट्स देते हैं, और हम आपको रिविजन्स, लाइव सेशंस और लाइव सरप्राइज टेस्ट्स वगैरह सब कुछ कंडक्ट करवाते रहते हैं। तो बस एक तरफ पढ़ाई करिए, दूसरी तरफ हमारे साथ रिविजन करिए, आपकी नैया हो जानी है पार दिसंबर 2023 की। थैंक यू सो मच, बाय बाय।